डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी चला रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि उसका करंट वर्क क्या है। डिजिटल मार्केटिंग जो है पूरी आपकी एक स्ट्रेटजी का नाम है कि आप किस तरीके से कंसिस्टेंसी का नाम है, पूरी कैंपेन उसे बनती है, ये पूरे एक प्रोसेस का नाम है। आप पूरे तरीके से उसको एक सिस्टमेटिकली लेकर चलते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, क्रेडिबिलिटी बनाते हैं और उसके बाद फिर आगे लेकर चलते हैं। इसकी बुनियाद तो जो है साइनएप्सिस की, हमने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के तौर पर नहीं रखी थी कि हमारी जितनी लर्निंग एजुकेशन हुई है उससे कहीं ज़्यादा लर्निंग जो है ये सोसाइटीज हुई है। जब स्टूडेंट लाइफ खत्म होगी तो हमारा था यार हम इसी को चैनलाइज करें अपने काम में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, ज़िंदगी में रोशनी बने और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, इसी टैगलाइन के साथ हम एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे तो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए जिसमें डिफरेंट बिजनेस वेंचर्स भी आ जाते हैं, लेकिन जो अभी इनका रीसेंट काम जा रहा है वो है पॉडकास्टिंग। इन्होंने पॉडकास्टर के तौर पर बहुत कम अरसे में अपने काम का लोहा मनवाया है और रीसेंट जो इन्होंने पॉडकास्ट किए हैं वो बहुत हिट जा रही हैं। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ वो ये है कि डिजिटल कंटेंट को क्रिएट करना और फिर उसको डिज़ाइन करना ये एक बहुत मुश्किल काम है। इस हवाले से आज हम इनसे जानेंगे कि पॉडकास्टिंग की तरफ ये कैसे आए और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की तरफ इन्होंने कब, क्यों और कैसे सोचा कि इन्होंने इस फील्ड में आके काम करना है, और प्लस ये टीचिंग भी कर रहे हैं उस हवाले से भी हम इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद फौजान साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र अली, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपने अब जो है वो डिफरेंट किस्म का काम करने का सोचा, यानी हमेशा से आपका माइंड ये था कि मैं कुछ नया करूँ, कुछ नया लेके आऊँ, कोई बिज़नेस करूँ, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का जो एक पैटर्न होता है उसको आपने फॉलो किया, इसकी क्या वजह थी? ये किसी की एडवाइस थी या आपका अपना मिजाज ही ऐसा था? नहीं अली, है शुरू से कहानी थोड़ी पुरानी काफ़ी शुरू होती है। जब 2009 में जब हम मैट्रिक में थे उस वक्त आपको शायद याद हो जब मैट्रिक में हमारी बुक थी इंग्लिश, उसमें माय एम्बिशन के नाम से एक चैप्टर था और मुझे याद है उस वक्त जब टीचर ने पूछा सबके एम्बिशंस क्या हैं, आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं मीडिया पढ़ना चाहता हूँ, मैं मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ। और शुरू से जो है वो ये अखबार से और टेलीविज़न और टॉक शोज़ इनका बहुत एक लगाव था, रुझान था, घर का माहौल भी ऐसा था। और मैं अभी आपको अभी इंटरेस्टिंगली भी मुझे आपकी बातों से याद आया कि 2011 और 12 में मैं इतने ज़्यादा अखबार पढ़ता था, इतने ज़्यादा उसका मुझे शौक था कि मैंने, हमारी एक कज़न है उन्होंने चैलेंज किया मुझसे कि मैं सूंघ के बता दूंगा कि कौन सा अखबार कौन सा, आंखों में भी पट्टी होगी और मैं वैसे उसको सूंघ के उसके पेपर के उससे बताता था कि ये नवाए वक्त है, ये डॉन है, ये एक्सप्रेस है। तो बस वहीं से ऐसा ऐसा जैसे जैसे मीडिया इंडस्ट्री भी रिवॉल्व करती गई, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का ज़माना आया, फिर डिजिटल की तरफ आए, कंटेंट बनाना शुरू किया हल्का फुल्का, मोबाइल से शुरू किया, फिर ऐसा ऐसा चलते चलते और अभी आप देख रहे हैं पॉडकास्ट है, उससे हम बात करते हैं। अच्छा सर, आपने शुरू में बहुत सारे वेंचर्स किए, जैसे आपने बताया बहुत सारे बिजनेस भी स्टार्ट किए, तो थोड़ा सा उस जर्नी को अगर आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें नाज़रीन के साथ, क्योंकि वो जानना चाहते हैं लोग कि आज आप इस मकाम पे हैं, तो उससे पहले क्या स्ट्रगल थी, क्या कोशिश थी? पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ मैं किसी खास मकाम पे भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे वो आइडियलाइज करने की जरूरत नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ी इज्जत रिकॉग्निशन तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जब हम बिल्कुल इनिशियल अपनी एजुकेशन में थे ना तो हमें कुछ बड़ा करने का जुनून ज़रूर था, और उस वक्त हम मुख्तलिफ वेंचर्स, आप पंगे के वर्ड को अच्छा नहीं है लेकिन हम पंगे बहुत लेते थे इसमें कि हमने कुछ करना है, हमें कुछ आग थी कि हमने कोई वेंचर करना है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, कोई अपना काम होना चाहिए, कि हम किसी सेठ के मुलाजिम ना हो, हम 9 to 5 के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं, मतलब कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, अपना कोई वेंचर हो। तो उस वक्त हमने बहुत सारे बिजनेसेस किए, हमें लोग रोकते भी थे, हमें लोग मना भी करते थे, बहुत खास सपोर्ट भी नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी उस तरीके से, लेकिन हमने जो है वो फूड के अंदर भी काम रखा, अपने चाय खाना भी बनाने की कोशिश की, अपनी वर्कशॉप भी करवाई डिफरेंट एरियाज के, बिजनेस करने के लिए, उसमें बहुत से सक्सेसफुल भी हुए, हमने अच्छी पॉकेट मनी जनरेट होती थी, हमारी स्टूडेंट लाइफ में एक मुनासिब एक वो था, मतलब लाइफ स्टाइल एक ठीक था, हम अपनी सारी ज़रूरियात और बहुत सी ख्वाहिशात जो है वो पूरी कर लेते थे। बहुत से फेलियर जो है ना उससे हमने बहुत सीखने का मिला, मैं आज जितने भी, क्योंकि कासिम अली शाह फाउंडेशन का जो आपका पेज है इसको बहुत से टीनएजर्स देखते हैं, ऑब्वियसली 20 to 30 के दरमियान इसका बहुत बड़ा रेशो है,
एडवेंचर्स करें, पंगे लें, फेलियर करें, यही वक्त है। बाद में फेलियर का जो आपके पास गैप है ना वो बहुत कम हो जाएगा। बाद में आप सिर्फ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर होंगी, आपकी फैमिली होगी, आप उसमें फिर आपका जो एक रिस्क का जो फेलियर करने का मार्जिन है बहुत कम हो जाएगा। तो इस वक्त आप जो आप चाहते हैं करें, कोई बात नहीं, फेलियर होगा उससे आपको बहुत बड़ी लर्निंग होगी। अगर हमने तब वो बोले फेलियर्स ना किए होते तो आज हम जो कुछ हैं वो भी ना होते। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उस वक्त हमने जो कुछ भी किया उससे एक अच्छी इनकम भी जनरेट हुई, उससे बहुत सा एक्सपोजर भी मिला और उससे फिर इवॉल्व करते करते हम फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जगह पे पहुंच गए। सर, आप इस वक्त अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी चला रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि उसका करंट वर्क क्या है। डिजिटल मार्केटिंग का लिए एक वर्ड जो है ना, इसके बहुत बहुत सारे मतलब दुनिया लेती है और उसको बहुत सिंप्लीफाई किया जाता है। मेरे ख्याल से डिजिटल मार्केटिंग जो है ना पूरी आपकी एक स्ट्रेटजी का नाम है कि आप किस तरीके से कंसिस्टेंसी का नाम है, पूरी कैंपेन उसे बनती है। हमारे जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं वो समझते हैं कि उन्होंने आज किसी मार्केटिंग एजेंसी को पैसे दे दिए या कोई मार्केटिंग का बंदा हायर कर लिए तो अगले दिन से जो है ना उसकी जो है वो डिजिटल प्रेजेंस बढ़ी हुई हो, ऐसा नहीं होता। ये पूरे एक प्रोसेस का नाम है, पूरे तरीके से उसको एक सिस्टमेटिकली लेकर चलते हैं, अपनी ऑडियंस डिफाइन करते हैं, उसको एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, क्रेडिबिलिटी बनाते हैं और उसके बाद फिर आगे लेकर चलते हैं। हमने 2019 में इसकी बुनियाद तो जो है साइनएप्सिस की, हमने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के तौर पर नहीं देखी थी, बल्कि कंटेंट की जो इंडस्ट्री है ना उसी से ही हमारा चलता है। आपने आपको शायद याद होगा 2017-18 में इरफान जुनेजो और ये सब जो क्रिएटर थे ना यूट्यूब के, इनका बहुत एक राइज हो रहा था। तो उस वक्त डिफरेंट एडिट मीटअप्स और एडिट वर्कशॉप्स चल रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो हमें भी हम चूँकि बल्कि मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आपने पिछले सवाल से मुझे याद आया कि हमारी जितनी लर्निंग एजुकेशन हुई है उससे कहीं ज़्यादा लर्निंग जो है ना ये सोसाइटीज़ हुई है, स्टूडेंट सोसाइटीज़ से जो इवेंट्स होती हैं, जो इवेंट मैनेजमेंट के अंदर आप स्पीकर्स को बुलाते हैं, उनको सुनते हैं। हमने बहुत सारे बड़े बड़े मीटअप्स किए लाहौर के मुख्तलिफ इदारों में, जामियात में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ पर शाह साहब को बुलाया, वहाँ पर बहुत से और ट्रेनर्स को बुलाया। तो उससे हमारा जो एक्सपोजर डेवलप हुआ था ना उससे हमें कुछ था कि हमने ना इसी को कुछ आगे लेकर चलना है। और जब स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होगी तो हमारा था यार हम इसी को चैनलाइज करें अपने काम में। हमें इतना मज़ा आ रहा था, इतना हमारा पैशन डेवलप हो रहा था कि हमारी पीसी के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें शाह साहब भी आ रहे हैं, जावेद आफरीदी आ रहे हैं, औरिया साहब आ रहे हैं और बड़े बड़े मुल्क के सियासतदान हमारे टॉक शोज़ के अंदर आ रहे हैं। तो वहीं से फिर हमने साइनएप्सिस की बुनियाद रखी, उसके तहत हमने मीटअप्स करवाना शुरू किया, कॉन्फ्रेंसेस करवाना शुरू की, कुछ पेड थी कुछ अनपेड थी। तो वहाँ से ऑब्वियसली फिर आगे कोविड ने हिट किया। कोविड के अंदर आपको पता है इवेंट्स बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुए, इवेंट्स नहीं हो पाए, तो फिर ऑब्वियसली हमने कुछ तो करना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कॉन्टेंट का भी हमें काफ़ी मतलब ज़ौक था, तो वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इस चीज़ को सीखा। और पढ़ाई भी चूँकि मीडिया इंडस्ट्री की थी, पहले मास्टर्स किया उसमें फिर एमफिल किया, फिर वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एक बुनियाद रखी छोटी सी, एक थोड़ा छोटा प्रोजेक्ट मिला, उसके सारे काम पहले खुद ही किए, टीम भी ज़्यादा नहीं थी, सारे मतलब डिज़ाइनिंग भी थोड़ी बहुत खुद करते थे, कोई आउटसोर्स करवा लेते थे, कोई एडिटिंग खुद सीखी यूट्यूब से और आहिस्ता आहिस्ता फिर टीम बनाना शुरू की। तो अल्लाह का शुक्र है फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमारे कोई तकरीबन हम 50 के करीब क्लाइंट्स को सर्व कर चुके हैं, उसमें बहुत से परमानेंट क्लाइंट्स भी हैं कुछ जो है वो। सर, फिर पॉडकास्टिंग का आपने बिलाखिर कब सोचा और कब ये फैसला किया कि आप खुद आएंगे, इंटरव्यू करेंगे लोगों का, लोगों से बातचीत करेंगे और कंटेंट जाहिर है कि वो भी पूरा क्रिएट करना पड़ता है जब आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो गेस्ट को ढूंढना, उनको बुलाना, ये सारा काम, ये डिसीजन कब लिया कि ये काम करना है? 2019 में यूट्यूब चैनल की बुनियाद रखी थी, उस वक्त व्लॉग्स बनाए थे डिफरेंट, जिन क्रिएटर्स को हम अपनी वर्कशॉप से बुला रहे थे ऑब्वियसली वो कंटेंट क्रिएटर्स थे, उनसे इंस्पायर होकर व्लॉग्स बनना शुरू किए, डिफरेंट अपनी डायरी बनाना शुरू की। लेकिन उसके बाद अगेन कोविड आया और कोविड में हमारे साथ एक बड़ी अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हुई ज़िंदगी का, बड़ा डार्क एक पीरियड था। वालिद साहब हमारे शदीद बीमार हो गए और फिर वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहरहाल आमीन। तो बहरहाल हमारा तकरीबन एक साल के लिए गैप आ गया, एक साल के लिए कोई ना वीडियो बनाई ना कोई काम किया बिल्कुल। उसके बाद फिर दरमियान में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता राइज होना शुरू हुआ ये पॉडकास्ट इंडस्ट्री पाकिस्तान में, ऑब्वियसली बाकी दुनिया में तो उससे पहले भी थी पॉडकास्ट, जो रोगन का पॉडकास्ट दुनिया में बहुत मशहूर है और जो इलॉन मस्क है उसने CNN और BBC को इतने इंटरव्यूज नहीं दिए जो बातें उसने आके उसके जो रोगन के पॉडकास्ट में की है। तो दुनिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड ऑलरेडी था, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि यूट्यूब बैन थी और 5 साल इसके अंदर कोई काम नहीं हो सका तो हमारी एवोल्यूशन थोड़ी सी लेट होती है। तो पॉडकास्ट की इंडस्ट्री थोड़ा सा बिल्कुल शुरू हो रही थी, बिल्कुल इनिशियल फेज में थी, 4 से 5 मेनली पॉडकास्ट होंगे पूरे पाकिस्तान में 2020 की 21 की बात कर रहा हूँ। तो उनको हम ऑब्वियसली देखते थे और व्लॉग के अंदर भी हमें कमी महसूस हो रही थी कि जो इस टाइम क्रिएटर्स कर रहे हैं इससे हमारे जो है ना वो उसमें हमारे विजन का सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली ये रखना चाहूँगा कि ये सारे काम जो हमने किए, जितने भी हमने कामों का आगाज़ किया ना, हमें हमारे मेंटोर ने बताया था बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ में
कि कोई काम आपने जो भी काम करना है ऐसा काम करना है जो कि आपके तीन चीज़ें उसमें ओवरलैप कर रही हो, एक तो आपका इंटरेस्ट हो, दूसरा आपके उसमें एक्सपर्टीज हो, आप उससे अर्निंग कर सकें और आप उससे अपने नज़रियात का फ़रोग कर सकें, जो आप जिस चीज़ को ठीक समझते हैं अपनी आइडियोलॉजी को उसका प्रचार आप कर सकें। तो हमें ये काम बिल्कुल इसी विजन के तहत हमने किया कि व्लॉग भी हमने बनाया, तो इन तीनों जुज़ियात को, इन तीनों उसको सामने रखते हुए बनाया कि हम ये तीनों चीज़ें उससे सर्व हों। तो ऑब्वियसली पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ थी जिससे हम अपने नज़रियात का प्रचार भी कर सकते थे, हम अपने हमारे इंटरेस्ट का काम भी था और इससे हमारी अर्निंग भी डेवलप हो रही थी बहुत ज़्यादा। सर अब तक आप टोटल कितने पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ कर चुके हैं? अभी तक हम तकरीबन कोई 40-50 हम कर चुके हैं पॉडकास्ट, और इसमें मैं थोड़ी सी आपके करेक्शन करना चाहूँगा, अगर आपकी ज़्यादा तो करेक्शन तो खैर नहीं, लेकिन हमारे सोसाइटी में काम वो है कि पॉडकास्ट की बजाय वो इंटरव्यू समझा जाता है। बेसिकली पॉडकास्ट इज स्लाइटली डिफरेंट थिंग, इसमें बेसिकली इंटरव्यू में तो होता ना एक सवाल होता है, पॉडकास्ट में बेसिकली कॉन्वर्सेशन होती है, टू वे कम्युनिकेशन, और इसीलिए इसका डिफरेंस है इंटरव्यूज का। बिल्कुल कैजुअल माहौल के अंदर बैठ के कैंडिड तरीके से आप गपशप करते हैं, कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई पॉडकास्ट हमारी 2.25 घंटे की भी है, कोई 35 मिनट की भी, आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो वो गेस्ट पे डिपेंड करता है, वो आपकी डिस्कशन पे डिपेंड करता है, आप कितनी जाती हैं। तो 40-50 हमने जो पॉडकास्ट अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। सर आपने बेशुमार पॉडकास्ट किए, तो कोई ऐसी पॉडकास्ट जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, या कोई ऐसा गेस्ट आपके पास आया हो जो जिसके साथ कन्वर्सेशन आपकी बहुत इंटरेस्टिंग रही हो, वो कौन सी है? हमें तो सारी पॉडकास्ट ही बहुत दिल के करीब है, पॉडकास्ट नाम ही दिल से बातें करने का, इसमें बिल्कुल आप गैर मौसमी अंदाज में उसको गेस्ट को भी कंफर्टेबल करते हैं, खुद भी कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन मैंने ये नोट किया कि जिन गेस्ट को आप पहले से जानते हैं, जिनसे आप पहले से आपसे शनासाई है, दोस्ती है, और पहले भी आपकी ऑफ द कैमरा भी उनसे डिस्कशन होती है, उन गेस्ट के साथ जो है वो बहुत अच्छी डिबेट रहती है, क्योंकि उनके बारे में बहुत सा कुछ पहले भी जानते होते हैं, तो उनसे ज़रा अच्छा रहता है। इकरारुल हसन के साथ हमारी बहुत अच्छी पॉडकास्ट थी, इकरार भाई की भी वो पहली पॉडकास्ट थी, और हमने तकरीबन 2.25 घंटे तक उनसे और बहुत से सवाल हमने बिल्कुल अभी इनिशियल सवाल किए थे, इसी में 2.25 घंटे गुजर गए, लेकिन वो एक बहुत एक यादगार और कमाल वो पॉडकास्ट थी। बहुत सी उसमें से लोगों ने मीम्स भी निकाली, खबरें भी निकाली, लेकिन इकरार भाई वाली पॉडकास्ट अब तक की सबसे अच्छी रही। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हम उससे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कॉन्टेंट जनरेट हुआ। अच्छा सर, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि आपने इकरारुल हसन साहब के साथ भी काम किया हुआ है कुछ अर्सा, तो वो कब आपने किया था और किस प्रोजेक्ट में उनके साथ थे? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट सोसाइटीज़ में हमें काम करने का बहुत शौक़ था, बड़ा जुनून था। तो 2017 में इकरारुल हसन ने सरेआम, एक तो उनका शो है सरेआम टीम की बुनियाद रखी, और सरेआम टीम की बुनियाद रखते हुए वो डिफरेंट इदारों के अंदर जा रहे थे, और उनका ये वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसे लोग को, वॉलंटियर जो उसको पूरे को लीड कर सकें, को मैनेज कर सकें। तो उससे टीम की बुनियाद रख रहे थे। एक साल पहले हमने एक्सपो सेंटर में एक इवेंट करवाया था स्टूडेंट एजुकेशन एक्सपो के नाम से, सी लाहौर के नाम से। तो सी लाहौर के अंदर हमने सरेआम का शो वहाँ पे मैनेज करवाया था, और बहुत एक मैसिव क्राउड था, बड़ा शो था। तो इकरार भाई को वो शो याद था कि यार वो एक लड़के ने करवाया था और वो बड़ा अच्छा शो हुआ था। तो उनके भी टीम मेंबर ने यार हमसे रब्ता किया कि आप आएँ, इकरार भाई साहब को बुला रहे हैं, तो हम ये प्लान है हमारा। फिर हम वहाँ गए, हमने सामने उन्होंने हमें पूरा एक्सप्लेन किया कि वो क्या करना चाहते हैं, हमने बताया कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा फिर आपस में कॉन्ट्रैक्ट तो खैर नहीं, वो तो एक कमर्शियल चीज़ होती है, हमारे आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है हम आपके साथ चलेंगे, हम ऐसे ऐसे काम करेंगे आपके लिए। फिर हमने उनके लाहौर के अंदर तकरीबन तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करवाए, वहाँ पे वॉलंटियर ड्राइव हुई, उनकी रिक्रूटमेंट हुई। उसके बाद फिर हम शहरों शहरों में जाना शुरू हुए उनके साथ, एक बहुत अच्छा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, और पाकिस्तान में ऐसी मिसालें बहुत कम है कि बिल्कुल आपने जो है ना किसी उसके बगैर, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स इकरार भाई के ब्रांड के ऊपर भी, उनके चैनल के ऊपर भी उनको मिलती रही हैं। और उस वक्त में अगर आपको याद हो, बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे थे पॉलिटिकली भी, इलेक्शन का टाइम था, हमें बहुत से लोगों ने कहा कि आप इलेक्शन के लिए आए हैं, किसी को कमज़ोर करने या किसी को मजबूत करने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वक्त ने भी साबित किया कि हम किसी एक साइड पे पॉलिटिकली नहीं हुए। हमारे यहाँ सब लोग थे, सब इकाइयों से थे, सब मजहबी इकाइयों से थे, सब फ़िरकों से, हर किस्म के इलाके के, कराची, खैबर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इकरार भाई से बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का ताल्लुक है। हमें जो उनकी सबसे अच्छी चीज़ लगी शुरू में भी, एज अ मीडिया स्टूडेंट भी हम उनको काफ़ी इंस्पायर उनसे होते थे, एनर्जी जो है ना इकरार भाई की वो बहुत इंस्पायर करती है। मतलब आप हम ओबियसली जब वो कराची में थे, यहाँ फ्लैटीज़ में आते थे, यहाँ काम करते थे, यहाँ हम उनसे मिलते थे, वो जिस फुर्ती से उठते थे और मिलते थे उनको बैठे हुए, और अचानक कोई फ़ोन आया, वो जिस फुर्ती से उठ के फ़ोन उठाते थे और उनको इंस्ट्रक्शन देते थे ना, वो एनर्जी हमें बहुत इंस्पायर करती है कि यार ये बंदे में आ गए, ये बंदा सुस्त नहीं है, कुछ करना चाह रहा है, कुछ आगे बढ़ना चाह रहा है, कभी भी सुस्त नहीं देखा उन्हें। तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हमें इंस्पायर की, और अल्लाह का शुक्र है उससे फिर हमने सीखा भी, इंस्पायर भी हुए, और आज तक बहुत से नशीबो फराज से गुजरने के बावजूद हम उनके साथ हैं। सर बीइंग अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, जो कि थोड़ा सा कह लें कि एक बैक स्टेज पे काम होता है, उससे अब फ्रंट एंड पे एज अ पॉडकास्ट होस्ट काम करना,
क्या डिफरेंस फील होता है और कैसा एक्सपीरियंस है अगर दोनों का कंपैरिजन करें, आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। बीइंग अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जो है ना, हम डिफरेंट है। इससे पहले मैं दुनिया न्यूज़ में भी कुछ अरसा रहा हूँ, तो वहाँ पे हमने शोज़ में एंकर्स को देखा था कि वो किस तरीके से आते थे और उनको हर चीज़ बनी बनाई तैयार मिलती थी और वो कोट शोट पहन के तैयार होकर मेकअप करके आते हैं, सवालनामा उनके हाथ में पकड़ाया जा रहा है, कैमरा भी पूरा डिपार्टमेंट पीछे काम कर रहा है, प्रोड्यूसर अलग डिपार्टमेंट काम कर रहा है, गेस्ट कोऑर्डिनेटर अलग काम कर रहा है। लेकिन पॉडकास्ट में या डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर जो क्रिएटर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो गेस्ट को भी खुद रिसीव करने जाते हैं बाहर, उनसे सारी कोऑर्डिनेशन भी खुद करनी होती है, गेस्ट को हंट भी खुद करना होता है, क्वेश्चंस की रिसर्च भी खुद करनी होती है, कैमरे के अंदर आके मैं खुद पहले फ्रेम भी चेक करता हूँ, फिर एडिटिंग में पूरा मैं साथ बैठता हूँ। आज तक मेरी कोई, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज तक मेरी कोई एक भी पॉडकास्ट ऐसी नहीं है जिसका एक सेकेंड मैंने बगैर सुने जाना हो। ये बहुत बड़ा रिस्की काम है, बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तो मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेता कि जो है वो एडिटर साहब खुद ही एडिट करके उसको खुद ही अपलोड करते हैं। उसको मैं खुद एडिट करता हूँ, खुद उसके अंदर बैठता हूँ और खुद सारी उसकी रिलीजिंग भी होती है। तो बेसिकली वन मैन आर्मी वाला काम होता है इसके अंदर, और इसमें लर्निंग भी ज़्यादा होती है, और यही फ़र्क है उसका कि आप देख रहे हैं बहुत से शोज़ की रेटिंग जो है वो हमसे कम होना शुरू होगी। मैं पिछले दिनों आपको एक्सपीरियंस, एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करूँ, 30th सितंबर को वर्ल्ड पॉडकास्ट डे था, तो उसी दिन के मुनासबत से कोई 3-4 मॉर्निंग शोज़ में जाने का इतफाक हुआ। शो के बाद प्रोड्यूसर साहब और एंकर साहब जो है ना, और वो सारी टीम आके बैठ गई कि यार हमें बताएं ये कैसे होता है, ये पॉडकास्ट कैसे बनता है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि हमारे शोज़ जो हैं वो कुछ अर्से बाद जो है वो लोग देखना छोड़ देंगे, लोग स्विच ये चीज़ ऑब्सोलीट हो जाएगी, तो हमें बताएं ये पॉडकास्ट कैसे चलती है, कैसे बनती है, हमें बताएं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पूरा हार्डवर्क था, जो पूरी एक जर्नी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह पे ऑफ हो रहा है उसका। सर, कासिम अली शाह साहब के काम को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? यार, कासिम अली शाह साहब को हम ऑब्वियसली बहुत अच्छा देख रहे हैं। मैंने जिस तरह बताया कि हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो सोसाइटीज़ के अंदर काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इवेंट्स भी करवा रहे थे, तो शाह साहब तब हमारी शनासाई हुई थी 2011 में, 2012 में UMT के अंदर उन्होंने आना शुरू किया था, और बिल्कुल उनकी इवॉल्विंग टाइम था, इनिशियल फेज था उनका पब्लिक लाइफ का। उससे पहले वो गुलशन रावी की जो अकेडमी थी, हमें इवेंट्स पे आके वहाँ इनवाइट भी करते थे, तो हम वहाँ पे बिल्कुल इवेंट सफारी होकर उनके कॉल पे वहाँ जाते थे स्पेशल बना के, और वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इनिशियल फेज में आप खुद सारे काम करते हैं, तो हम शाह साहब पास जाते थे, वो खुद उन्होंने हाथ में साइड पर वो कॉफ़ी वाला वो रखा होता था, उससे वो खुद अपने हाथ से वो कॉफ़ी बना के हमें देते थे, और बहुत अच्छे तरीके से होस्ट करते थे, और वहाँ से हमने माशाल्लाह की जर्नी देखी है, बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इन्वॉल्व किया और वो यहाँ तक पहुँचे। लेकिन बहरहाल दिल दुखता है, मैं आपने सवाल तो खैर नहीं किया, लेकिन मैं इस बारे में ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम ने जो है ना वो बहरहाल उन डिज़र्व जो वो करते थे उस तरह वो नहीं किया, मतलब ज़्यादती की है, इख्तलाफात हो सकते हैं, हर बंदे के अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन यार जो उनके साथ इख्तलाफ वाले लोगों ने किया ना, शाह साहब ये डिज़र्व नहीं करते थे। बहुत मैंने देखा उसके बाद से वो ज़्यादा मुहतात हो गए हैं, वो गैर ज़रूरी हसासियत उनके अंदर आ गई है। कितना अच्छा है, कितना साफ दिल आदमी, आप लोगों ने जो है वो डरा दिया है मेरे ख्याल से। उनको आना चाहिए, बिल्कुल फ्रंट पे आना चाहिए, उनको इवेंट्स पे वैसे ही जाना चाहिए, उनको लोगों से मिलना चाहिए, मीटिंग रेट पे जाना चाहिए, लोग उनके मुंतजर हैं। लेकिन हमारी जो पोलराइजेशन बढ़ी है, जो नेगेटिव बढ़ी है, जो नफरत बढ़ी है, अनफॉर्चुनेटली शाह साहब जैसे लोग भी उससे मुतासर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फौजान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से, इनकी बातों से, और जो इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, वो चाहे प्रोफेशनल हो, थोड़े बहुत पर्सनल हो, उनसे आपको यकीनन बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।